आज कुछ घाटे किया गया नायाती मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। मीरा राडिया के साथ साथ राजेश चतुर्वेदी जी भी एक सबसे बड़े प्रमोटर हैं उनके साथ में। सर पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हो रहे हैं कि सर ये जो आइडिया है ये और आगे इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड तक आप बता रहे हैं कि इस तरीके का हॉस्पिटल होगा, क्या क्या खासियत है इस हॉस्पिटल? देखिए आप यूपी का टोपोग्राफी देखेंगे तो वैसी यूपी में लखनऊ कानपुर साइड में फिर भी कुछ मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं। इफ यू कम टू वेस्टर्न साइड ऑफ यूपी यहाँ नेग्लिजिबल मेडिकल सुविधा अवेलेबल है अदर देन प्राइमरी मेडिकल केयर विच इज लाइक मलम पट्टी कर दो, दवा दारू कर दो, यहाँ ओरिजिनल दवा भी नहीं मिलती। हमारे परिवार में कुछ ऐसा हुआ विच मेड अस थिंक दैट वी नीड टू डू समथिंग फॉर मथुरा। हम लोग खुद मथुरा के हैं, यहाँ भले ही कम से कम 100-200 स्मॉल नर्सिंग होम डिस्पेंसरीज होंगी बट कोई कुछ स्तर की मेडिकल सुविधा है ही नहीं और हर परिवार में संसार का चक्र कुछ ना कुछ तकलीफ आती ही रहती है। वी फेल्ट हमें मथुरा के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि एक लैंडमार्क बने मथुरा के लिए और इसमें प्रभु ने मुझे निर्णय से मिलाया और हम लोगों का सहयोग बना तो हम लोग इस अस्पताल का निर्माण कर पाए। ये अस्पताल हमारा प्लान है 750 बेड का बनेगा, फर्स्ट फेज में 351 बेड रेडी है। यहाँ हर आधुनिक सुविधा चाहे वो हार्ट की हो, लंग्स की हो, किडनी की हो, कैंसर की हो विल बी अवेलेबल इंक्लूडिंग हार्ट ट्रांसप्लांट, वाल्व रिप्लेसमेंट, लेटेस्ट रेडिएशन, केमोथेरापी, लीवर रिप्लेसमेंट, किडनी रिप्लेसमेंट, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन अंदर सन भी अवेलेबल है, सारी सुविधा है। तो आदमी को, मथुरावासी को, अगल बगल के क्षेत्रों के लोगों को, पूरी यूपी के लोगों को दिल्ली भागने की या बॉम्बे भागने की जरूरत महसूस नहीं होगी। हमारा प्रयास ये है कि हम मेडिकल सुविधाएं जो कि इंडिया में खाली मेट्रो में अवेलेबल थी हम वो सुविधाएं मेट्रो से हटा के मथुरा ऐसी डी क्लास सिटीज में लेके आए हैं विच मीन्स दैट वी ब्रिंग ट्रीटमेंट टू पेशेंट। अभी भी जैसे मैंने लोगों से बात की तो मिनी वेदांता कहा जा रहा है, वेदांता कहा जा रहा है, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। हम किसी को अपने आप से कंपेयर नहीं करना चाहते। एवरीबडी हैज हिज ओन आइडेंटिटी। वेदांता इज अ ग्रेट हॉस्पिटल, ऑफकोर्स इट्स इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी। वी आर नॉट कंपेयरिंग एनीबडी। आवर ओनली गोल इज टू सेट अप द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इन मथुरा। वी डोंट वांट टू कंपेयर विद एनीबडी। रतन टाटा खुद पहुंचे थे यहाँ पर इनॉग्रेट करने के लिए नए और यूपी में लगातार जो उन्नति के लिए वो जो है पहुंचते जा रहे हैं, पहले उन्नाव का स्टेडियम और अब ये, क्या कहना चाहेंगे? देखिए यूपी इज लाइक साउथ अफ्रीका टू द वर्ल्ड, दिस इज वॉट यूपी इज टू इंडिया। यूपी में इतना पोटेंशियल है ग्रोथ का कि हर उद्योगपति इंडिया का यूपी आना चाहेगा और यूपी की उन्नति में सहायता करना चाहेगा एंड रतन टाटा इज नो एक्सेप्शन। वी आर प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव रतन टाटा टू इनॉग्रेट दिस हॉस्पिटल फॉर अस। उनकी ऐसी महान हस्ति ने हाँ किया हॉस्पिटल में आने के, ये हमारे सौभाग्य की बात है। रतन टाटा खुद पहुंचे नियति का उद्घाटन करने के लिए और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल माना जा रहा है, छोटी से लेकर बड़ी बीमारी हर चीज का इलाज एक छत के नीचे होगा और अब आपको दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूपी अपने आप एक बहुत बड़ा शहर है और उसको दिया है एक सबसे बड़ा तोहफा मीरा राडिया ने नियति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए। कैमरामैन नदीम के साथ न्यूज़।